खरगोन जिले के आबकारी विभाग की शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर अनुग्रह पी के निर्देशन में कसावत के संवेदनशील अहिल्यापुरा, बहादुरपुरा, पिपली, सरवल, देवला का दौराकर वृत्त प्रभारी ने अपनी टीम के साथ 7 प्रकरण तैयार करके 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 92 लीटर हाथ भट्टी शराब, 2500 किलोग्राम महुआ लहान को नष्ट किया, जिसमें जब्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य 10,60,000 रुपए बताया जा रहा है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की यह रिपोर्ट। आज दिनांक को खरगोन जिले के कलेक्टर महोदया श्रीमती अनुग्रह पी एवं सहायक जिला सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे जी के निर्देशन में एवं श्री सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बसंत कुमार भिटे जी के मार्गदर्शन में जिले के समस्त आबकारी व्रत की टीम द्वारा, संयुक्त टीम द्वारा व्रत कसरावत के संवेदनशील ग्राम सरवर देवला, बहादुरपुरा, अहिल्यापुरा, पीपली में अल सुबह से दबिश दी गई संयुक्त टीम के द्वारा। इसमें पूरी कार्रवाई में लगभग 92 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त हुई है और साथ ही इसमें 20,500 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर जब्त किया गया। इसका सैंपल लेके विधिवत उसको नियमानुसार। सर लगभग कितनी कीमत होगी इनकी ये जब्त? मदिरा सामग्री जो बनाने की, मदिरा से बनाने की सामग्री है, लहान है, सभी का लगभग बाजार मूल्य लगभग 11,00,000-11,50,000 के करीब है। इसमें आरोपी भी हैं सर? इसमें आरोपी 3 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, बाकी कुल 7 प्रकरण इसमें विवेचना में लिए गए हैं। सर पहले भी इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी फिर ये मामला और चलने लग जाता है? नहीं, लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है। अगर बीच बीच में हमें इस चीज़ का सूचनाएं प्राप्त होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम बनाकर कार्रवाई की जाती है। लगातार कार्रवाई चल रही है जो कि आगे भी जारी रहेगी। Subscribe now to most exciting channel ever.